पुत्र नहीं हो रही हैं, पुत्रियां नहीं या संतान विहीन है। संतान तो पुत्र हो या पुत्री, संतान तो संतान है लेकिन हो ही नहीं रही है। हमने तो देखा 18-18 साल बाद भी लोगों की संतान हुई है इस उपाय को करने से। वर्ष में दो बार विशुद्ध योग बनता है, एक बार विशुद्ध योग आता है 21 मार्च को और दूसरा विशुद्ध योग आता है 22 सितंबर को। संतान न हो रहा हो तो ऐसे विशुद्ध योग के दिन प्रातः काल से वो व्रत करें। व्रत के पश्चात घर में एक कटोरा एक पात्र खीर का बनाएं, एक पात्र घी का लें। किसी सौभाग्यवती स्त्री जिसकी संतान हो चुकी हो उसे संध्या के समय वही तिथि, जो तिथि मैंने विशुद्ध योग का बताया है, उस योग के दिन बेल के वृक्ष के नीचे उस सौभाग्यवती स्त्री को बैठाएं, उसे वो घी का कटोरा दान करें, उसे वो खीर का पात्र दान करें। उस सौभाग्यवती स्त्री के हाथ से फिर प्रसाद के रूप में खीर लें, खीर को पाएं। आने वाले समय के बाद मासिक चक्र के बाद प्रयत्न करने पर एक वर्ष के भीतर उनके यहाँ संतान की प्राप्ति होती है। विशुद्ध योग का यह प्रभाव होता है। संतान नहीं हो रही हो तो ऐसे अनेक उपाय शिव महापुराण में लिखे हुए हैं। पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती फल अवसर जानी। गई शंभु मही मातु भवानी, गई शंभु मातु भवानी, गई शंभु मही मातु भवानी, गई शंभु विवाह हुआ। और भगवान के विवाह के बाद भगवान का विदाई हुई। भगवान की सुंदर विदाई हुई। ध्यान देकर के 15 मिनट कथा सुनो। उसके बाद हम सीताराम सीताराम कहेंगे और आप लोग राधे श्याम कहते हुए प्रसाद पाके घर जाना, क्योंकि हमारा तो समय पूरा हो गया। माता पार्वती ने अच्छा समय जान करके भगवान शिव के समीप बैठी। मन में एक लालसा है माता को,
पुत्र हो जाए, संतान हो जाए, और इस संतान की लालसा से माता पार्वती ने भगवान को कहा, प्रभु पुत्र कैसे होगा, संतान कैसे होगा। मुझे पुत्र चाहिए। भगवान माता पार्वती एक कांत पर हैं, लेकिन भगवान शिव जानते हैं कि पार्वती संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती है। पार्वती संतान को प्राकट नहीं करेगी, और पुत्र नहीं होगा तो ताड़क असुर का वध नहीं होगा। देवताओं ने भी सोचा कि भगवान के द्वारा प्रकट इस तेज को कैसे ग्रहण करवा करके भगवान के अंश को प्रकट किया जाए। माता पार्वती भगवान के दिव्य तेज को धारण करने के लिए एकांत पर हैं, और भगवान शिव ने जैसे ही तेज को प्रकट किया तो देवताओं ने छल पूर्वक अग्नि देव को कबूतर बना दिया कि शिव के तेज को वही धारण कर सकते हैं, और अग्नि देव को कबूतर बना करके वो तेज अग्नि देव को ग्रहण करवा दिया। शिव का तेज अग्नि ने ग्रहण किया, और भगवान शिव का वो दिव्य तेज अग्नि देव ने जब ग्रहण किया, माता पार्वती को पता तक नहीं चला कि वो तेज हमारे पास नहीं आया। माता पार्वती को तो लगा मैं गर्भ को धारण कर चुकी हूँ, और दूसरी तरफ अग्नि देव उस तेज को संभाल नहीं पाए। देह जलने लगा अग्नि देव का, छटपटाने लग गए, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, परेशान हो गई श्री अग्नि देव जी महाराज। और अग्निदेव इतने परेशान हुए, देवताओं ने कहा एक काम करो, आप गंगा के पास जाएं। गंगा तब धरती पर अवतरित नहीं हुई थी, और शिव पुराण में